दूसरी आयत जो मेरा सब्जेक्ट एक प्लांट, इसको मैं आयत के तौर से कैसे आपके सामने रख रहा हूं। इसमें जो हरी पत्ती हैं, ये थ्योरेटिकल डायग्राम है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा पौधा नहीं बना जिसमें आलू और टमाटर एक साथ मिले। इंट्राजेनरिक प्लांट्स बन रहे हैं, लेकिन इस नौबत तक नहीं आया कि टमाटर और आलू एक जगह है। लेकिन यहां पे बताना क्या है कि ये हरी पत्ती जो है, ग्रीन लीव्स, इनमें फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जमीन से पौधा पानी जस्प करता है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और लाइट एनर्जी से जो अमूमन सूरज से मिलती है, लेकिन अगर आप उतनी लाइट किसी और प्रोसेस से भी दे दें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड पानी मिलके ग्लूकोज बनाते हैं, शकर बनाते हैं। ये वही ग्लूकोज है जो बाजार में बड़ा महंगा मिलता है, जब गैलेक्सो का डिब्बा हरा वाला या ऑरेंज कलर का लेके आते हैं, बहुत महंगा ग्लूकोज है। ये हर पत्ती में बन रहा है। ये पत्ती जो है ये हरा रंग रखती है, क्लोरोफिल रखती है, इसलिए शकर साजी कर सकती है, फोटोसिंथेसिस कर सकती है, ग्लूकोज बना सकती है। जो नॉन ग्रीन पार्ट्स हैं प्लांट के, जो काफ़ी शाखों के अलावा जड़ें हैं जो जमीन में फैली पड़ी हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती, वो शक्कर नहीं बना सकती। अब ये शक्कर जिस पत्ती ने बनाई, उसने बड़ी मेहनत करी, अपना दिल जलाया सही मानों में, उसके एंजाइम्स यूज हुए पूरे क्लोरोप्लास्ट में, शक्कर उसने बनाई। अब जरा सोचिए शक्कर का वो पत्ती क्या करती है, वो इमीडिएटली उसको ट्रांसफर कर देती है नॉन ग्रीन पार्ट्स में, रूट्स को भेज देती है, शाखों को भेज देती है। वो कहीं ही नहीं कहती कि ये तो मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, ये मैंने हासिल किया है, हाजा मिन फजल रब्बी, ये तो मेरा रब के फजल है, मैं तो एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाऊंगा, महल बनाऊंगा, हाजा मिन फजल रब्बी लिख के लगाऊंगा। वो तो शकर को रखती भी नहीं पास, इमीडिएटली जरूरतमंद के पास मुंतकिल कर देती है। और वो कानून क्या है, लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जो साइंस के बच्चे हैं जानते हैं, नफूज पजीरी का कानून, लॉ ऑफ डिफ्यूजन, एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन, या फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई फ्री एनर्जी टू ए रीजन ऑफ लो फ्री एनर्जी। पूरी नेचर में ये लॉ चलता है। अगर मेरे जिस्म में ये चलना बंद हो जाए क्या होगा, कल छुट्टी होगी यूनिवर्सिटी में, तो वाइस चांसलर एक्सपर्ट मर गया, कोई जानदार नहीं जी सकता, क्योंकि खून में जो गैस एक्सचेंज है हमारा, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड देती है, या कार्बन डाइऑक्साइड लेती है ऑक्सीजन छोड़ती है, लंग्स के अंदर जो गैस एक्सचेंज है, एल्वियोलाई के अंदर, वो जो फेफड़ा इतना गुलाबी गुलाबी आपको दिखता है माजरत के साथ कश्मीरियों जैसा, वो क्यों है ऐसा, क्योंकि उसमें ब्लड वेसल्स का सर्कुलेशन है, कि वो सर्कुलेशन गैस एक्सचेंज के लिए फाइन वेन्स, फाइन आर्टरीज, जिसमें आरबीसी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को डिफ्यूजन के लॉस के तहत, डिफ्यूजन का कानून अगर नहीं चलेगा तो कोई जानदार एक सेकंड नहीं जी सकता। वो कानून क्या बताता है हमें, कि रिसोर्सिस का फ्लो एज पर नीड होना चाहिए। क्या हमारे यहां होता है? इसी बात को कुरान सूरह बकरा में कहा जाता है, हुवा लजी खलाका लकुम मा फिल अर्दे जमिया, वही तुम्हारा रब है जिसने जमीन का सब तुम सब के लिए बनाया। इससे बड़ा सोशलिज्म का कोई स्टेटमेंट मुझे नहीं मिलता। ये कुरान का डिक्लेरेशन है जो मुसलमानों में तो बाइंडिंग है, बट डू वी शेयर अवर रिसोर्सेज लाइक दैट? मेरे तो पड़ोस में अगर बच्चा पढ़ने नहीं, स्कूल नहीं जाता, तो आई जस्ट डोंट केयर, मेरा बच्चा कॉन्वेंट में जा रहा है, बहुत अच्छा पढ़ रहा है, मेरे बच्चे के कपड़े बहुत अच्छे हैं, उसकी शादी बहुत अच्छी होने वाली है, उसका ससुराल बहुत अच्छा है, मेरा समध्याना बहुत अच्छा है, मैं खुश हूं। अपने पड़ोस के घर के हाल नहीं जानता। हर गली मोहल्ले में या मोहल्लों को पार करके ऐसे लोग हैं, यतीम हैं, मिस्कीन हैं, जरूरतमंद हैं, कुछ कह देते हैं, कुछ इज्जत बचाए खामोश बैठे हैं, आई जस्ट डोंट केयर। और मैं अपने आप को मुसलमान कहता हूं, आपके हाथ फैसला है, मैं मुसलमान बनने की कोशिश कर रहा हूं, मैं अपने आप को पूरी तरह मुसलमान नहीं कह सकता, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी ए मुस्लिम, क्योंकि कुरान समझ के उस पर अमल करके आप मुसलमान बन सकते हैं, और उसमें बहुत कुछ आपको सीखना समझना होता है, जब आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा। तो ये जो एक आयत है जो नेचर में दिखती है हमें, ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बताती है, और भी बहुत सी सारी चीजें बताती है। इसी की बात में वजाहत करूं कि जैसे जैसे दरख्त बड़ा होता है, पत्तियां और ज्यादा होती हैं, शक्कर और ज्यादा बनती है। अब शक्कर इतनी हो गई कि सारे स्टेम्स को, रूट्स को डिस्ट्रीब्यूट करके भी बच रही है,
उस सरप्लस को रखने के लिए भी कोई पत्ती तैयार नहीं है, जो खुद उसको बना रही है उसको रखने को तैयार नहीं है, कह रहे मुझे नहीं चाहिए ले जाओ। इसलिए आपको पत्तियां मोटी और दुबली नहीं दिखेंगी, एक सी फिजिक होगी, फैट डिपॉजिशन की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि जब रिस्टोर करेंगे तो डिपॉजिट होगा, एक सा पतला पतला सा जिसे हर पत्ती का दिखेगा। सकुलेंट्स को छोड़ दीजिए, वो जो प्लांट्स हैं वो तो मोटी पत्ती होती है, वो डिफरेंट रीजन। तो फिर पत्ती क्या करे शकर का, वो कहते मुझे नहीं रखना, तो वो अपने बैतुल माल में उसको जमा कर देते। बैतुल माल क्या है? वो फल, वो अनाज जिसमें वो शकर जमा होती है, फॉर एनीबडी हु नीड्स इट, जिसको जरूरत है ले जाओ, ये मेरा सरप्लस था, मैंने इस फल की शक्ल में टांग दिया।